स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिबिल ऑन स्पॉट में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जो हम लोगों ने आपके लिए सीरीज स्टार्ट करी हुई है सॉलिड मैकेनिक्स की, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी था उसको हम लोगों ने डिस्कस करा था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं और उसके बेसिस पे कैसे हम लोग सॉइल को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा था बेसिकली, अगर आपको मैं प्रीव्यू बताऊँ वहाँ पर, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा था स्पेसिफिक ग्रेविटी का। ये मैं पिछले लेक्चर का आपको रिकैप दे रहा हूँ। हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी में मैंने क्या क्या बताया था आपको। स्पेसिफिक ग्रेविटी में मैंने बताया था अगर हमारी जो जी की वैल्यू है, ठीक है, जी क्या होता है, हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, अगर ये ग्रेटर देन 2 आती है या जी की वैल्यू हमारी क्या होती है लेस देन है या इक्वल टू 2 है, तो इसके बेसिस में मैंने आपको साइल की क्लासिफिकेशन बताई थी कि किस तरीके से हम लोग साइल को क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हमारी जी की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आती है तो मैंने आपको बताया था हमारी सॉइल कौन सी होती है, इनऑर्गेनिक सॉइल होती है, इनऑर्गेनिक सॉइल। ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, ये रिकैप दे रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको, ताकि जो चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो आप कनेक्ट कर सकें इसके साथ, ऑर्गेनिक सॉइल होती है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि हम लोग कौन कौन से मेथड से क्या कर सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने मेथड्स बताए, मेथड्स टू फाइंड, क्या फाइंड कर सकते हैं हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कौन कौन से मेथड बताए थे मैंने आपको? फर्स्ट मेथड की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने आपको कौन सा मेथड बताया था सबसे पहले? सबसे पहले जो मैंने मेथड बताया था वो मैंने आपको बताया था पिकनोमीटर, पिकनोमीटर। उसके बाद में जो मैंने आपको मेथड बताया था, सेकंड मेथड बताया था, वो मैंने कौन सा मेथड बताया था आपको? 550 ml डेंसिटी बोतल, डेंसिटी बोतल। और थर्ड मेथड मैंने आपको बताया था हमारा, जो थर्ड मेथड था वो कौन सा था हमारा? 500 ml फ्लास्क, 500 ml फ्लास्क। ये तीन मैंने आपको मेथड बताए थे। इन मेथड्स की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड कर सकते हैं। इनमें से मैंने आपको जो पहला मेथड है पिकनोमीटर, कौन सा? पिकनोमीटर, इसको मैंने आपको डिटेल में बताया था। पिकनोमीटर में मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम पिकनोमीटर से हमारा यहाँ पे फाइंड करते हैं तो ये किसके लिए सूटेबल होता है हमारा पिकनोमीटर? ये हमारे लिए कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सूटेबल रहता है। किसके लिए? कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए ये सूटेबल होता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। उसके बाद में हम लोगों ने इसमें क्या बताया था मैंने, कि अगर इसको फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज़ करना हो, किसके लिए यूज़ करना हो? फाइन ग्रेन के लिए। अगर फाइन ग्रेन के लिए यूज़ करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? बटर की जगह पे कैरोसिन, कैरोसिन यूज इंस्टेड ऑफ वाटर। और ये सूटेबल किसके लिए होता है? ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सूटेबल होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसको हम लोग कोहिजन लेस सॉइल भी बोल सकते हैं, कोहिजन लेस सॉइल। एग्जाम्पल की अगर इसकी मैं बात करता हूँ तो एग्जाम्पल में कौन कौन सी सॉइल आ जाएंगी? सैंड आ जाएगा, ग्रेवल आ जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ, इसकी एग्जाम्पल में कौन सी सॉइल आ जाएंगी हमारे पास? इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास सॉइल आ जाएगी क्ले, क्ले हो गया, सिल्ट हो गया। ये क्या है? हमारी फाइन ग्रेन सॉइल है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है फाइन करने का वो क्या होता है हमारा? m2 - m1 डिवाइडेड बाई क्या देखा था हमने? डिवाइडेड बाई में अगर आपको याद होगा
हमने देखा था एम टू माइनस एम वन प्लस एम फोर माइनस एम थ्री, तो ये चीज़ हमने देखी थी। ये हमारा क्या था, स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड करने का फॉर्मूला था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कल भी मैंने आपको बताया था, तो इसको करके आप अपने पास लिख लीजिए। ये चीज़ें हम लोगों ने इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पिकनोमीटर के बारे में देख ली थी, किस तरीके से पिकनोमीटर हमारा काम करता है। पिकनोमीटर के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसका वॉल्यूम कितना होता है, 900 ml होता है। ये चीज़ मैंने बता रखी है आपको। 6 mm डाया की इसमें ओपनिंग होती है, टॉप पे 6 mm डाया का होल होता है इसमें। क्यों होता है ये, टू रिमूव एयर, एयर को रिमूव करने के लिए होता है। टॉप इसका कैसा होता है, कोनिकल होता है, कोनिकल होता है। ठीक है, जी 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 हमने डिस्कस करी हुई है। अगर आप प्रॉपर देखना चाहते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो आपको, मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप इसके जो पहले वाला लेक्चर है उसको जाके देख सकते हैं। तो आपको पिकनोमीटर से कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, प्रॉपर इसके जो स्टेप्स हैं, प्रोसीजर हैं, वो सब मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं किसकी, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सेकेंड, इसका डालिए सेकेंड क्या है हमारे पास, 50 ml, 50 ml डेंसिटी बोतल, डेंसिटी बोतल। फिफ्टी एम एल डेंसिटी बोतल की अगर हम बात करते हैं बेसिकली, तो ये किसके लिए यूज़ की जाती है, हम लोग इसको हम लोग यूज़ करते हैं दोनों मेथड्स के लिए, जो हमारी दोनों साइल्स होती हैं, फाइन और कोर्स दोनों के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले सूटेबल किसके लिए होती है, सूटेबल फॉर ऑल, किसके लिए सूटेबल होती है, ऑल टाइप ऑफ सॉइल। एक ऑल टाइप ऑफ सॉइल की अगर मैं बात करूं, कोर्स एंड फाइन, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि दोनों के लिए इसको सूटेबल होती है। प्रेफर किसके लिए की जाती है, प्रेफर फॉर, देखो सूटेबल दोनों के लिए, दोनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर करते हैं हम लोग किसके लिए, फाइन ग्रेन के लिए, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। उसके बाद में अगर बात करता हूँ मैं, ये क्या होता है, मोस्ट एक्यूरेट होता है, इससे जो रिजल्ट मिलते हैं हमें मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। ये मेथड कौन सा है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। इससे हम लोग फाइंड क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हम लोग फाइंड क्या कर रहे हैं, इससे टू फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये अपने माइंड में क्लियर रखिए कि बेसिकली कर क्यों रहे हैं ये टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। तो ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है, जिस चीज़ भी आपको अपने ध्यान में रखनी है। इसमें क्या यूज़ करते हैं, यूज़ कैरोसिन, इंस्टेड ऑफ, इसमें क्या करते हैं हम लोग कैरोसिन को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर। वाटर की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, हमेशा इसमें कैरोसिन यूज़ करेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा कि इसमें हमेशा और हमेशा क्या यूज़ होगा, कैरोसिन यूज़ होगा। और अगर स्टेप्स की बात करें, प्रोसीजर क्या होता है, स्टेप इसके जो रहते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये इसके ऑब्जर्वेशन के स्टेप रहते हैं, स्टेप ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं, वो सेम होते हैं सबके लिए, स्टेप्स सेम एज प्रीवियस। अब ये स्टेप सेम, जैसे हम लोगों ने पिकनोमीटर को करा था, सेम उसी तरीके से ये भी टेस्ट परफॉर्म होते हैं। बस क्या इसमें डिफरेंस क्या आ जाएगा, इसमें वाटर की जगह पे क्या यूज़ होगा, जो पिकनोमीटर में हम लोग पानी डाल रहे थे, ठीक है, जब हम लोगों ने उसमें कौन सा सैंपल यूज़ करते हैं, यहाँ पर ये भी लिख लीजिए, यहाँ पर कौन सा सैंपल यूज़ करते हैं, ड्राई सैंपल यूज़ करते हैं, ड्राई सैंपल, ड्राई सॉइल सैंपल।
यहाँ पे ड्राई साइज सैंपल में जब हम पिक्नोमीटर में क्या डाल रहे थे, सैंपल डालने के बाद में पानी डाल रहे थे, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये आएगा कि इसमें हम लोग क्या डालेंगे, केरोसिन डालेंगे, ये इसमें डिफरेंस आ जाएगा, बाकी पूरा मेथड सेम है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको लिखवा दी हैं इसकी, इस मेथड्स की क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो ये यूज़ किया जाता है हमारा ऑल टाइप ऑफ सॉइल्स के लिए, लेकिन कोर ऑल टाइप में क्या आ जाएंगे, कोर्स फाइन सारी आ जाएंगी, प्रिफर किया जाता है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। और ये क्या होता है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है, और इसमें हम लोग वाटर की जगह पे कैरोसिन यूज़ करते हैं। और इसके जो स्टेप्स हैं कैसे करना है वो सेम है जैसे हम लोगों ने पहले वाले मेथड में देखे हैं। अब अगर मैं फाइन ग्रेन सॉइल की बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ मैं, जो हमारी फाइन ग्रेन सॉइल होती है, फाइन ग्रेन सॉइल में क्या होता है हमारा, अगर मैं बात करूं जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है वो क्या होता है, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, कम होता है। आपको पता है फाइन ग्रेन सॉइल होगी तो पार्टिकल का साइज क्या होगा, कम होगा, पार्टिकल छोटे होंगे। और इसमें क्या होती है, फाइन ग्रेन सॉइल में क्या होती है हमारे पास, इसमें देखो दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी, एक होती है एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी। अगर हम फाइन ग्रेन सॉइल की बात करते हैं तो जो हमारी फाइन ग्रेन सॉइल होती है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी होती है। एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी, अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा वाटर होता है ना सॉइल के, सॉइल में जो वाटर होता है तो वो क्या करता है, हमारा वाटर जो होता है वो फाइन ग्रेन जो सॉइल होती है उसके साथ क्या आ जाता है, चिपक जाता है, ठीक है, वो वॉइड्स में नहीं जाता। और जब हम उसमें क्या करते हैं, एयर रिमूव करने की कोशिश करते हैं, तो एयर क्या होती है, रिमूव्ड नहीं होती। क्यों रिमूव नहीं होती, क्योंकि जो पानी होता है वो क्या होता है, फाइन ग्रेन सॉइल के साथ चिपक जाता है, तो वॉइड्स में, वो वॉइड्स में नहीं जाएगा, क्योंकि पानी अगर वॉइड्स में नहीं जाएगा तो एयर रिमूव्ड नहीं होगी, उसमें क्या रहेगी, एयर रहेगी। अब वॉइड्स में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, ये हमारी वॉइड्स हैं, वॉइड्स में क्या होगा, वाटर होगा प्लस एयर होगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, वाटर एड्सॉर्ब, एड्सॉर्ब ऑन सरफेस ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल क्या बोल रहा हूँ मैं हिंदी में बोलूँ, तो पानी जो होगा, जो फाइन ग्रेन सॉइल के पार्टिकल्स होंगे उनके साथ क्या कर जाएगा, उनकी सतह पे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, उसकी सतह पे चिपक जाएगा, तो ये बॉइड्स में नहीं जाएगा पानी। अगर ये बॉइड्स में पानी नहीं जाएगा तो बॉइड्स में क्या बचेगी, एयर बचेगी, और उस एयर को रिमूव करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा फाइन ग्रेन सॉइल में। इसलिए हम लोगों ने पिक्नोमीटर में किसके लिए यूज़ करते हैं, उसमें क्यों हम पानी यूज़ करते हैं, उसमें पिक्नोमीटर में क्या डाल रहे हैं, हम लोग पानी डालते हैं ना, तो पानी डालेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी एयर प्रॉपर रिमूव नहीं हो पाती, इसलिए हम लोग उसको फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज नहीं करते। किसके लिए यूज करते हैं, कोहिजन लेस सॉइल के लिए यूज करते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज करते हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये मोस्ट एक्यूरेट क्यों है, क्योंकि इसमें क्या यूज हो रहा है, कैरोसिन यूज हो रहा है यहाँ पे हमारा, तो कैरोसिन के यूज होने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, ठीक है। तो इसका अब आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा यहाँ पे, क्योंकि कैरोसिन क्या होता है, हमारा बेटर बेटिंग रिजेंट होता है। नेक्स्ट यूज, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा मेथड है हमारे पास, थर्ड है हमारे पास, सॉरी थर्ड मेथड कौन सा हमारे पास, फ्लास्क, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं फ्लास्क मेथड जो है 500 ml, अब इसको क्या बोल सकते हो, 500 ml फ्लास्क मेथड बोल सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे चाहे, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ 500 ml फ्लास्क मेथड।
ठीक है। इस मेथड में क्या होता है बेसिकली, इसको हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, इस मेथड को भी हम लोग यूज़ करते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। इसके लिए सूटेबल है ये, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सूटेबल फॉर कोर्स कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। अब ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए है तो इसका मतलब एक चीज तो आपको पता चली गई होगी कि इसमें क्या यूज हो रहा है, हमारा वाटर यूज हो रहा है, वाटर यूज इन कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या होगा, स्टेप में स्टेप सेम होंगे जैसे पिकनोमीटर के, लेकिन कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या होगा, हमारे यहाँ पे हम लोग किसको यूज़ करेंगे, वाटर को यूज़ करेंगे। अगर हमें इसको फाइन ग्रेन के लिए यूज़ करना है, इफ यूज फॉर फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल देन केरोसिन इज यूज, केरोसिन इज यूज। तो ये मेथड भी यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। इस मेथड में क्या है बेसिकली, ये मेथड भी किसके लिए यूज़ किया जाता है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे पिक्रोमीटर यूज़ किया जाता है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं, ठीक है, कोर्स ग्रेन सॉइल में। और अगर इसको फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हमें यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा, केरोसिन यूज़ करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ वाटर। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। अब यहाँ से आपको मैं क्या बता देता हूँ, कंक्लूजन बता देता हूँ कि हमारा कंक्लूजन निकल के क्या आ रहा है। बेसिकली कंक्लूजन निकल के हमारे पास ये आया, जो हमारा डेंसिटी वोटल है, डेंसिटी वोटल इसकी अगर बात करते हैं तो ये सूटेबल है फॉर बोथ फाइन एग्रीगेट, मतलब फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स एग्रीगेट सी ए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, दोनों के लिए सूटेबल है। एक पॉइंट ये आपके पास निकल के आया, दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया, ये मोस्ट एक्यूरेट है। बाकी तो मैंने बता ही रखा है आपको, प्रिफर्ड किसके लिए किया जाता है, फाइन एग्रीगेट के लिए, जो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए उसके लिए इसको प्रिफर्ड किया जाता है। तो ये चीज़ ऑलरेडी आपको पता है, ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है, उसके लिए इसको प्रिफर किया जाएगा। और इसमें क्या होता है, यूज़ क्या होता है, यूज़ कैरोसिन। देखो ये एक ऐसा मेथड है ना जिसमें हम लोग यूज़ ही क्या करते हैं, कैरोसिन करते हैं, इसमें वाटर हम लोग यूज़ ही नहीं करते, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यूज्ड क्या होता है इसमें, कैरोसिन। अब अगर मैं बात करता हूँ पिकनोमीटर की, पिकनोमीटर एंड 500 ml फ्लास्क, ठीक है, 500 ml फ्लास्क के लिए और पिकनोमीटर, ये क्या है, 50 ml है। इन दोनों के लिए अगर मैं बात करूं तो ये किसके लिए सूटेबल है, सूटेबल फॉर कोर्स एग्रीगेट। और इनमें यूज्ड क्या होता है, वाटर, ये ध्यान में रखिएगा दोनों में। बट यहाँ पे ये चीज़ समझिए आप, इफ यूज्ड फॉर फाइन एग्रीगेट देन यूज एंड यूज कैरोसिन इंस्टेड ऑफ बटर। क्यों, बिकॉज बैटर बैटिंग
बेटर बैटिंग रिजल्ट होता है। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस क्या आ रहा है, डेंसिटी बोतल को मोस्ट एक्यूरेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या यूज़ हो रहा है, इसमें इसको निकालने के लिए हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइन करने के लिए हम लोग कैरोसिन को यूज़ कर रहे हैं। और अगर हमें कोर्स ग्रेन की फाइन करनी हो तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हमारा पिक्रोमीटर या 500 ml फ्लास्क में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपको पेपर में पूछा जाता है कि फाइन एग्रीगेट की अगर आपको क्या फाइन करनी है, अगर उसमें से आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइन करनी है तो कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, तो 50 ml डेंसिटी बोटल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है, तो 50 ml डेंसिटी बोटल है। वैसे ही अगर कोर्स के लिए पूछा जाता है तो पिक्नोमीटर या 500 ml फ्लास्क यूज़ कर सकते हैं। अब 50 ml डेंसिटी बोटल में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैरोसिन का यूज़ करते हैं, और इसमें क्या यूज़ करते हैं, हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं पिक्नोमीटर और 500 ml फ्लास्क से। अगर आपको पूछा जाता है कि पिक्नोमीटर से हम लोग अगर हम लोग फाइन एग्रीगेट यू फाइन करना चाहते हैं, उनकी हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइन करना चाहते हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कैरोसिन को यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ वाटर। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बेटर बैटिंग रिजल्ट है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि फाइन ग्रेन सॉइल में क्या होता है, हमारे पार्टिकल साइज़ क्या होता है, कम होता है। पार्टिकल साइज़ कम होने की वजह से क्या होता है, ये क्या है, एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी शो करता है। एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जो पानी होता है वो क्या होता है, इसकी सतह पर चिपक चिपक जाता है, वो वॉइड्स में नहीं जाता। अगर पानी वॉइड्स में नहीं जा रहा है तो वॉइड्स में क्या होगी, हवा होगी, और एयर मूव करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है फाइन ग्रेन सॉइल में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए इसको हम लोग यूज़ नहीं करते, जनरली ये सूटेबल नहीं होता पिक्नोमीटर में। और पिक्नोमीटर और 500 ml फ्लास्क के लिए हम लोग 50 ml डेंसिटी बोतल से फाइन एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइन करते हैं, क्योंकि इसमें कैरोसिन को यूज़ किया जाता है। तो आई होप अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि तीनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है, और तीनों मेथड्स में से कौन सा मोस्ट एक्यूरेट मेथड है स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइन करने का। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख ली। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहने वाली है उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट वेट को। तो यूनिट वेट में आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, कोर कटर मेथड का नाम सुन रखा होगा, तो उस मेथड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। संडे को हमारा ऑफ रहेगा, तो अब जो मेरा लेक्चर आएगा साहिल का, वो कब आएगा, मंडे को आएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, संडे को हम लोगों ने इस बार ऑफ रखा हुआ है। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करिए। थैंक यू गाइज़।